बस्ती जनपद के रामनगर ब्लॉक के इब्राहिमचक उर्फ शेखापुर गांव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण छेदीलाल सहित 2200 परिवारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यह है कि नाली नहीं है, इसके लिए कहना है पानी का निकास नहीं है, किधर पानी इधर उधर लेके जाते हैं, बाल्टी से भर के फेंकते हैं इधर उधर किधर, इसके लिए कहना है कचरा जमा हो जाता है, कीड़ा पड़ जाता है, उसमें बच्चे बीमार होते हैं। तो शिकायत किसी के पास किए थे? हाँ, किए थे, कहना है एक बार दरखास्त भी डाले थे तहसील में, तो उधर से भी नहीं कुछ आया, कहना है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रधान भी नहीं कुछ किए अभी तक। नाली बन जाए तो उससे क्या फायदा होगा आपको? कीड़ा नहीं होएगा, तो साफ सुथरा रहेगा, नाली में पानी निकल जाएगा। गांव कितने लोग होंगे जो लगभग इससे? 2000 से परे हुई है, कम नहीं हुई है। अब नाली बन जाएगी तो पानी सबका पानी, गंदा पानी निकल जाएगा गड्ढे में, उसके बाद बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उससे कोई बीमारी नहीं होगी। इसके पहले प्रयास किए थे, वो प्रधान थे, कोहड़ा ग्राम सभा था, उसमें प्रयास किया गया, वो बोले हम कर देंगे, फिर हमने दरखास्त भी दिया, दरखास्त देके वो प्रधान से कहे कि दरखास्त दिया, वो आए, सुनवाई हुआ, देख के गए एसडीएम साहब, फिर प्रधान से हमने कहा, सेक्रेटरी से कहा, तो वो लोग कहे कि हम लोग कर देंगे, क्या वो लोग काम किए ही नहीं। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग रामनगर ब्लॉक के वीडियो का मोबाइल नंबर है 94546417 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि इस गांव में पक्की नाली बन सके। मैं ब्रह्मजीत सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।